हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चूरमा। ये दाल बाटी के साथ खाया जाता है। ये राजस्थान की एक ट्रेडिशनल डिश है। चलिए बनाते हैं चूरमा। चूरमा बनाने के लिए हम आटा लेंगे। ये हमने 2 कप आटा लिया, नॉर्मली आटा है जो हम फुलका बनाने के लिए यूज करते हैं, वही आटा है। ये हमने देसी घी लिया है, ये 1/2 कप देसी घी है हम इसमें डालेंगे। आधा डालेंगे अब हम इसमें, थोड़ा हम बचा लेंगे अभी, इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया, ये 1/2 घी हमने डाला है, आधा हमने बचा लिया, ये हम बाद में यूज करेंगे। आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, घी मिक्स हो गया। ये देसी घी का ही अच्छा लगता है, स्वाद उसी से ही आता है इसके में, देसी घी से ही चूरमे में। अगर ऐसी मुट्ठी बन रही है तो ये आपका इसका मोन ठीक है, अगर ऐसी मुट्ठी नहीं बन रही तो आप थोड़ा सा मोन और डाल सकते हैं। वैसे भी क्रम्बल तैयार हो गया एक तरह से आटा, आप देखेंगे तो ऐसे दानेदार आटा है, घी के कारण अलग अलग हो रहा है, तो ऐसे ही आटा हमें चाहिए। ये हमने गर्म पानी लिया, हल्का गर्म पानी है, इससे सख्त आटा गूंद लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदेंगे हम। हमने बिल्कुल सख्त गूंदना है क्योंकि सख्त आटे का ही अच्छा बनेगा ये। और गर्म पानी से हम इसलिए गूंद रहे हैं क्योंकि घी डाला है हमने, अगर गर्म पानी से गूंदेंगे तो मुलायम गूंदेगा आटा। यह आटा हमारा गूंद गया है, आप देख सकते हैं सख्त गूंदा हमने आटा, हाथ से दबाने पे बहुत हल्का जबर है, तो ऐसा ही आटा हमने गूंदना है। यह आटे को हम डिवाइड कर लेंगे 2 में, इसके भी 2 बना लेंगे हम। हम इसके रोटले बनाएंगे। रोटले मतलब हमने मोटे मोटे रोटी बनानी है इसकी, इसकी बाटी बना के भी कर सकते हैं आप। इसके बाटी बना के जैसे आप इसकी बाटी बना के आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको ये वाले तरीके से बता रही हूँ रोटला बना के आप कैसे बना सकते हैं। हमारा बन गया, इसको हम ढक देते हैं। हम एक लोया लेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे क्योंकि हमने मोन बहुत डाला है इसमें, जब हम इसको बेलेंगे तो हल्की हल्की किनारी इसकी टूटेगी, बहुत ज्यादा पतला रोटी नहीं बनानी हमने इसकी। रोटला जैसे मैंने पहले ही बताया हमने वही बनाना है, इसका थोड़ा मोटा बनाएंगे। इसकी किनारी थोड़ी ऐसी रहेगी कटी 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 क्योंकि मोन है ना इसमें, इसलिए इसका ऐसा ही रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा बन गया, ये आप देख सकते हैं कितना मोटा बनाया मैंने, ये ऐसा ही बनेगा, इतना मोटा ही बनेगा, इसकी थिकनेस ऐसी रहेगी। ये हमारा बन गया, अब हम इसको सेकेंगे। तवा हमने रख लिया है, गैस हमने सिम करी हुई है। ये रोटी जो हमने बनाई है इसके ऊपर डाल देंगे हम, सेम आंच पे ही हम इसको सेकेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हम इसलिए सेकेंगे ताकि ये हमने मोटी बनाई है, ये अंदर से कच्ची नहीं रहे, बहुत लो पे सिकेगी तो बहुत अच्छी सिकेगी, अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगी और ढंग से सिक भी जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी ये। इसको हम पलट देते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की सिकी है ये, अभी हम और सेकेंगे इसको सिकने, जितने ये सिक रही है हम और बना लेते हैं। अगर आप चूरमा खाना चाहते हैं और फ्राई भी नहीं खाना चाहते, फ्राइड नहीं चाहिए आपको और ज्यादा घी नहीं खाना चाहते, तो ये बेस्ट तरीका है चूरमा बनाने का। आप ऐसे चूरमा बनाएंगे, एक तो फ्राई भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी फ्राई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हमने घी नहीं लगाया इसमें, और आप अपना टेस्ट से भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये चूरमा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, जैसा उसका बाटी का बनता है, फ्राइड बाटी का बनता है वैसा ही बनेगा ये।
रोटी हमने बना ली है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी की है ये। ऐसे हम इधर से भी सेक लेंगे, बस ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सिम पे ये टाइम जरूर लेगी सेकने सीखने में, लेकिन बहुत अच्छी सीखेगी। मध्यम आंच, बिल्कुल लो आंच पे सेकेंगे तो बहुत अच्छी सीखेगी, अंदर तक सीख जाएगी, आटा कच्चा नहीं रहेगा आपका। रोटी हमारी सीख गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। फिर निकाल लेंगे हम इस रोटी को, अब हम रोटी को पलट लेते हैं। रोटी हमारी सीख गई है, अब हम इसको उतार लेंगे। ऐसे ही हम सारी रोटी सेक लेंगे, चारों रोटी हम ऐसे ही सेक लेंगे। ये हमने चारों रोटी सेक ली है, अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। रोटी हमारी ठंडी हो गई है, इसको हम तोड़ लेते हैं, इसे रफली तोड़ लेंगे हम इसको। इसको हमने तोड़ लिया, अब हम इसको मिक्सी में डाल के चला लेंगे। हल्का ही चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, हमने ठीक सा करना है। हमने इसके जैसे सूजी होती है, सूजी से थोड़ा सा, सूजी जैसा ही करना है हमने, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। इसको इसमें डालेंगे और मिक्सी में डाल के और इसको चला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम चला लेते हैं इसको, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये चूरमा हमने पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल मुलायम कर लिया हमने चूरमे को, पीस लिया है। अब हम इसको सेकेंगे कढ़ाई में, हमने कढ़ाई रख ली है, ये चूरमा हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको मंदी आंच पे सेक लेंगे, लो फ्लेम पे सेकेंगे हम इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे हम इसको। अब धीरे धीरे हम हिलाते भी जाएंगे साथ साथ इसको और सेकते जाएंगे। इसे सेकने से ये होगा कि इसका जो कच्चापन, अगर थोड़ा बहुत भी आटा कच्चा रह गया वो सिक जाएगा, और साथ में इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये अगर आप हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो इसको हमने अभी अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चूरमा डाला है। अभी हम घी भी नहीं डाल रहे हैं, घी हम बाद में डालेंगे, हम इसको अभी सेकेंगे ऐसे ही। सिकना शुरू हो गया है, तो कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें पहले घी डाल देंगे, अब हम इसमें जो हमने घी बचाया था वो घी हम इसमें डाल देंगे। हम ये सारा घी डाल देंगे इसके अंदर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, घी डालने के बाद और भी बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। हमारा चूरमा भी सिकने वाला है बस। अब ये चूरमा हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया कलर आया है इसमें, गोल्डन ब्राउन आया है बिल्कुल कलर, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा या तगार जो भी आप मिलाना चाहें, मैं बूरा मिलाने वाली हूँ तो हम इसमें बूरा मिलाएंगे ठंडा होने के बाद, क्योंकि गर्म में मिलाएंगे तो वो पानी छोड़ देगा बूरा, इसलिए अभी हम नहीं मिलाएंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बूरा मिला देंगे। ठंडा हो गया है, अब हम इसमें बूरा डालेंगे। ये एक कप बूरा है, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये बादाम है चॉप किए हुए, आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, बादाम के साथ काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, और आप मीठा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं मीठा। चूरमा आप बाहर खाते हैं कहीं पे रेस्टोरेंट में या होटल वगैरह में शादी ब्याह में, तो उसमें उसका टेस्ट अलग लगता है, क्योंकि उसमें मिश्री डाली होती है। अगर आप इसमें मिश्री डालना चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं, आप मिश्री डालना चाहें तो पूरा थोड़ा सा कम कर दीजिए और मिश्री डाल दीजिए। आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, इलायची का फ्लेवर देना चाहें तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं इसमें, 1 टीस्पून आप इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे इलायची का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इसको मिक्स कर लिया है, अभी हमारा चूरमा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे।
हमारा चूरमा बनकर तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।